हे असल एवरी वन आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हो सो वंस अगेन वम वेलकम टू अनदर व्लॉग और आज का व्लॉग भी सुबह सुबह से शुरू हो रहा है सो गुड मॉनिंग आल्सो अभी मैंने अपनी नाश्ते का जो चाय का कप है ना वो फिनिश किया और साथ जो है ना मॉर्निंग शो देख रही थी आज का मॉर्निंग शो बहुत अच्छा था काफ़ी एक लंबे अरसे के बाद कोई मुझे मज़ा आया मॉर्निंग शो देखने का टॉपिक बहुत मज़े का था बच्चे जब स्कूल होते हैं ना और सलमान ऑफिस होते हैं तो सुबह मुझे इतनी खामोशी फील होती है अजीब सी तो मेरे पास एक वाहद ऑप्शन होता है कि मैं टी ऑन कर लेती हूँ और लाउंड से किचन तक आवाज़ आ रही होती है साथ साथ मैं अपना नाश्ता बना लेती हूँ किचन क्लीन कर लेती हूँ अपना रूम ऑर्गेनाइज़ लाइक छोटे छोटे काम लाइक एक बार जब मैं बिस्तर से उठ जाऊँ ना फिर मुझे वापस सोने की तुक समझ नहीं आती है तो बस दिन स्टार्ट हो जाता है तो आज का जो टॉपिक था ना इनका बहुत अच्छा था ये सारे गेस्ट्स अपने जो है ना लाइफ के एक्सपीरियंसिस शेयर कर रहे थे कि कोई ऐसा डिसीजन जिसने इनकी ज़िंदगी में बहुत अच्छा इम्पेक्ट डाला हो तो कोई बताया था कि किस तरह मैंने स्ट्रगल की और एक डिसीजन लिया कि घर बनाना है और किस तरह पैसे जमा करके गाड़ी ली तो ये सब अपनी लाइफ एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे तो आज मैं भी आपसे जो है ना अपने एक डिसीजन शेयर करूँगी यूट्यूब के हवाले से तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा सो so, हर कोई अपनी लाइफ में डिसीजन करता है और डिसीजन मेकिंग जो है ना बड़ा टफ़ प्रोसेस होता है uh, कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो हमारी ज़िंदगी इतना अच्छा इम्पेक्ट डालते हैं कि हमारी लाइफ बदल जाती है और कुछ इतना बुरा असर डालते हैं कि माई लाइफ जो हूँ भी बन सकती है सो so, खैर यहाँ पर मैं अपने बच्चों को ले आई थी और बच्चे जो है ना वो आते ही मुझे शेयर करते हैं आजकल इनकी वर्कशीट्स होती हैं कलरिंग होती है और कुरान क्लास होती है तो टू आवर्स के बाद मेरे बच्चे जो है ना घर होते हैं मैं ग्यारह बजे सवा ग्यारह बजे जा इनको ले आती हूँ और आते ही मुझे सब कुछ बताते हैं ये हाँ ये ये और ये है। और गाड़ी है क्या कहते हैं पैरट पैरट और दिस इज कार उर्दू में क्या कहते हैं कार ओके एंड व्हाट इज दिस मोटरसाइकिल मोटरसाइकिल और, okay. और इंग्लिश में क्या कहते हैं बाइक बाइक या तो मेरे फ़ोन में कोई प्रॉब्लम चल रहा है या फिर एडिटिंग ऐप में कोई मसला है कि मेरी वीडियो जो है ना वो कुछ सेकंड्स के लिए स्टॉप हो रही है लेकिन खैर आपने जो है ना वीडियो को इग्नोर करना आपने बस मुझे याद सुनना है और आज मैं भी आपसे जो है ना अपने एक डिसीजन शेयर करूँगी मैंने भी अपनी ज़िंदगी में दो तीन बहुत बड़े बड़े डिसीजन लिए थे और ख़ैर मैं आज आपसे सिर्फ अपना यूट्यूब चैनल के हवाले से जो है ना वो शेयर करूँगी मैंने चैनल कब बनाया और मैंने चैनल क्यों बनाया और इसके पीछे क्या असल वजह थी और ये मेरा जो है ना लाइफ का डिसीजन कैसा रहा ये सब मैं आज आपसे शेयर करूँगी और साथ साथ मैं अपने खाने की तैयारी भी करती रहूँगी तो खैर स्टार्ट करते हैं आ, मार्च 2020 से जब कोरोना जब कोविड जो है ना वो बहुत पीक पे था पाकिस्तान में और तब मैंने अपना चैनल क्रिएट किया था 26 मार्च आ, 2020 की ये बात है और बीच में मैंने वैसे खैर दो तीन बार बहुत लंबा लंबा गैप दिया जिसकी वजह से मेरे चैनल की ग्रोथ बहुत मुतासर हुई तो खैर ये एक अलग टॉपिक हो जाएगा आ, बात करते हैं कि मैंने चैनल क्यों बनाया मैं ना व्लॉग्स वगैरह देखती थी और मुझे बहुत अच्छा लगता था कि हाउस वाइफ जो है ना वो अपने घर के काम भी कर रही हैं अपने बच्चों को भी कर, कर रही हैं और साथ ही साथ में व्लॉगिंग कर रही हैं और इस तरह वो अपने मतलब दिल की बातें और साथ साथ काम करते हुए अपने रूटीन जो भी उनका मैसेज होता था वो सब शेयर करती थी मुझे बहुत अच्छा लगता था सुनकर और व्लॉग्स वगैरह देख के तो मैंने सोचा कि मुझे भी एक यूट्यूब चैनल बनाना चाहिए इससे मेरी एक बचपन की ख्वाहिश भी पूरी हो सकती है और वैसे भी मुझे बातें बातें करने का बहुत शौक था मैं बोलती भी बहुत हूँ और ये नहीं मुझे पता मैं अच्छा बोलती हूँ बुरा बोलती हूँ तो खैर मैंने सोचा कि मुझे यूट्यूब चैनल क्रिएट करना चाहिए और लेकिन मुझे आता ज़्यादा कुछ नहीं था ना एडिटिंग आती थी ना थंबनेल मेकिंग आती थी नथिंग और बस फिर क्या मैंने जब आपको किसी चीज़ का शौक हो ना तो आप फिर कर जाते हो मैंने एक महीना जो है ना वो ऑनलाइन सारा एडिटिंग वगैरह सीखी और थंबनेल मेकिंग खुद ही ऐप डाउनलोड करके सब कुछ है ना प्रैक्टिस की यू कैन से कि सेल्फ लर्निंग और मुझे फिर सब कुछ आ गया अच्छे से एक महीने में मैंने सोचा कि मैं मैनेज कर लूँगी और अपना मुझे यूट्यूब चैनल बना लेना चाहिए और अच्छा मैंने सुना हुआ था कि YouTube से ना इनकम आती है और आप अपनी मतलब मनी जनरेट कर सकते हो लेकिन मुझे ट्रस्ट वगैरह नहीं था मैं यकीन नहीं करती थी मैंने कहा नहीं यार कहाँ पैसे वैसे आते होंगे बस लोग शौक़ में वीडियोस बनाते हैं और लोग शौक़ से देखते हैं दैट्स इट और फिर मैंने सोचा कि मैंने देखे ना फर्स्ट अर्निंग लोगों के ब्लॉग्स अपलोड हुए हुए थे यूट्यूब फर्स्ट पेमेंट तो मुझे यकीन वगैरह नहीं आता था फिर मैंने सोचा कि अगर यार पैसे वैसे भी आते होंगे तो इससे अच्छी और क्या बात होगी लेकिन हाँ मैंने पैसों के लिए चैनल क्रिएट नहीं किया था एक तो देखे ना मुझे कोई अल्लाह माफ़ करे इस तरह की नीड नहीं थी कि मेरा कोई किचन चलेगा या मेरी कोई ज़रूरियात पूरी होंगी अलहमद ला लाइफ ला, में सब कुछ था बस मुझे शौक था और मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ जो पैसों की वजह से यूट्यूब पर आते हैं ना वो बहुत जल्दी जो है ना क्विट कर जाते हैं यूट्यूब YouTube पे वही लोग कंटिन्यू कर पाते हैं जिनको शौक़ होता है व्लॉगिंग का या बातें करने का या अपनी मतलब डेली रूटीन शेयर करने का उन्हें एक शौक होता है उन्हें पैशन होता है वही YouTube पे कंसिस्टेंट रहते हैं और वही इसको देर तक लेकर चलते हैं सो यूट्यूब की वजह से मेरी बचपन की एक बड़ी पुरानी ख्वाहिश एक ख्वाब कह लें शौक जो कह लें पूरा हो गया मुझे ना रेडियो का बहुत शौक़ था लाइक जब मैं नाइन्थ टेंथ की स्टूडेंट थी ना मैट्रिक की तो तब मुझे याद है अच्छी तरह के मुल्तान में ना प्राइवेट चैनल्स आए थे एफ़ एम वन थ्री एफ एम एटी नाइन नाइन्टी सिक्स नाइन्टी थ्री पॉइंट लाइक इस तरह के जो है ना तीन चार चैनल्स आए थे पहले इस्लामबाद से स्टार्ट हुआ था कराची लाहौर फिर मुल्तान तो हम रेडियो सुना करते थे और मेरे भाई भी सुनते थे लाइक घर में एक माहौल सा बन गया था रेडियो सुनना और बहुत अच्छा लगता था रेडियो के प्रोग्राम सुनना और फिर लाइव कॉल्स करना उनके साथ कनेक्ट रहना और मतलब बहुत एक मज़ा आता था तो मुझे भी इतना ज़्यादा शौक़ हो गया था ना कि मैं रेडियो ज्वाइन करूँ और एज ए होस्टिंग एज ए डी जे वहाँ काम करूँ और स्पेशली जो रात के शोज़ आते थे ना उसमें डीजे के साथ मतलब वो डीजे जो होता ना वो पोइट्री भी पढ़ रहे होते थे और सॉन्ग्स बैक टू बैक चल रहे हैं फिर लाइव कॉल्स आ रही हैं लोग अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं कोई शायरी सुना रहे हैं लेकिन बहुत ही अच्छा थीम होता था रात के प्रोग्राम्स का ना तो मैं डेली सुनती थी मेरी रूटीन होती थी कि रेडियो मस्ट होता है और फिर मुझे इतना ज़्यादा शौक़ हुआ कि मैं एज़ ए डी जे वहाँ पर काम करूँ लेकिन मुझे घर से परमिशन नहीं मिली मतलब मेरे फादर ने मुझे अलाउ नहीं किया कि मैं रेडियो की तरफ जाऊँ वो समझते थे कि इसका माहौल अच्छा नहीं होगा और फिर मुझे बहुत शौक़ था कि मैं एज़ ए न्यूज़ कास्टर भी जो है ना मीडिया ज्वाइन करूँ क्योंकि मुझे बोलने का होस्टिंग का बातें करने का बहुत शौक था लेकिन मुझे कभी परमिशन नहीं मिली है फिर शादी के बाद यू नो कि बच्चे और हस्बैंड ससुराल में फिर आप चीज़ें बस भूल ही जाते हो लेकिन जब मैंने व्लॉगिंग वगैरह देखी ना लोगों की मुझे लगा यार इट्स लाइक अ रेडियो आप बोल रहे हो आप बातें कर रहे हो लोग आपको सुन रहे हैं आप अपना मैसेज दे रहे हो आप अपने दिल की बात कर रहे हो आप आज कैसे अच्छा फील कर रहे हो अच्छा फ़ील कर रहे हो बुरा फील कर रहे हो आप सब कुछ बोल रहे हो और लोग आपको सुन रहे हैं तो यकीन माने यूट्यूब चैनल बनाती मुझे यह सास हुआ कि यार मैं अब जो बोलूँगी जो मेरा जो मैं फील करूंगी जो मैं कहना चाहूंगी मैं आराम से कह दूंगी और लोग मुझे लाइव कॉल तो नहीं कर सकेंगे लेकिन खैर कमेंट करके अपना एक मैसेज मुझ तक पहुँचा देंगे और मैं अपने दिल की बात अपने लोगों तक अपनी ऑडियंस तक जो है ना कन्वे कर दूँगी बड़े आराम से तो लाइक like, जो दिल की बातें मैं सबसे अपनी ऑडियंस से करना चाहती थी वो मैं इस मीडियम के थ्रू कर रही हूँ वो मैं मुझे वो रेडियो वाला मीडियम तो नहीं मिला लेकिन चले मुझे यूट्यूब चैनल का एक मीडियम मिल गया कि मैं आपसे जो है ना कम्युनिकेट कर सकती हूँ और अगर मैं सोचूँ ना कि यूट्यूब चैनल बनाने का डिसीजन मेरी लाइफ में कैसा था तो यार ये बहुत अच्छा था खैर मैंने आ, स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स भी की एक तो जब मैंने चैनल क्रिएट कर लिया तो उसके दो माँ बाद ही मेरे बेटे की पैदाइश हो गई थी ख़ुआब की तो मैं इसको बहुत अच्छे से कंटिन्यू नहीं कर सकी बीच में मैंने छोड़ दिया बीच में मैंने अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाई हैं हाँ मैं एडमिट करती हूँ कि मैंने इस चैनल पे बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स की हैं लेकिन मैंने बहुत कुछ सीखा भी है इस चैनल से और अगर आज मैं कोई नया चैनल क्रिएट करूँ तो मैं वो मिस्टेक्स अब नहीं दोहराऊंगी और इसी वजह से मैं इस चैनल को लेकर चल रही हूँ कि मुझे बहुत प्यार है अपनी ऑडियंस से अपने पुराने अपने नए सब्सक्राइबर से और इस चैनल से मुझे बहुत प्यार है तो ये मेरा बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है तो मैं इसको नहीं छोड़ सकती हूँ हाँ भले ये मुझे बहुत ज़्यादा इनकम जनरेट करके नहीं दे रहा है एक दो बार मेरी इनकम भी आई है माशाल्लाह लेकिन अभी मेरी अपनी मिस्टेक्स और गैप की वजह से रेगुलर अपलोडिंग ना होने की वजह से जो है ना वो चैनल के ग्राफ पर डाउन हो गया लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड होप फॉर दी बेस्ट इन ये भी ठीक हो जाएगा सो मैं बात कर रही थी अपने YouTube चैनल बनाने के हवाले से कि मेरा ये डिसीजन कैसा था अब जबकि मैं लाहौर आई हूँ ना और मैं अकेली हूँ सेपरेट हूँ बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा फ्री टाइम होता है और माशाल्लाह मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं अब दोनों तो दे प्लेट टुगेदर एंड दे स्पेंड टाइम टुगेदर तो मेरे पास काफ़ी फ्री टाइम होता है मी टाइम होता है तो यू मुझे अच्छा लगता है कि मैं घर के काम भी कर लेती हूँ और मैं व्लॉग वगैरह भी इंजॉय कर लेती हूँ अगर ये चैनल मैंने क्रिएट ना किया होता तो मेरी कितनी मतलब तो बोरिंग सी लाइफ होती है और शायद मेरा दिल भी ना लगता लाहौर में क्योंकि मैं काम करती हूँ यही सोचती रहती कि मैं अकेली हूँ मैं किधर आ गई हूँ अम्मी याद आ रही हैं और मतलब आपको पता ना कि आप माजी के बारे में सोचते रहते हो आप इधर उधर की चीज़ें सोचते रहते हो तो अब मैं अपनी काम कर लेती हूँ और वीडियोज़ वगैरह बनाती हूँ तो मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता कि मैं बैठ के सोचूँ कि पिछला क्या था गुज़र गया आगे के आगे क्या होगा लाइक मतलब ना गॉसिप्स के लिए टाइम होता है ना दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करने का कोई टाइम होता है बस मुझे यही होता है कि मैं अपने घर के काम कर लूँ अपने बच्चे देख लूँ और अच्छे अच्छे व्लॉग बनाने की कोशिश करूँ तो मेरा ये वाला डिसीजन बहुत अच्छा था अब आके मुझे एहसास होता है कि अगर ये चैनल ना ना तो शायद मेरा लाहौर में दिल भी ना लगता और व्लॉगिंग जो है ना वो अच्छा खासा टाइम टेकिंग और बड़ा मसरूफियत का काम है आप बहुत बिजी रहते हो और आपका देखने में आपको शायद लगता होगा कि यार इन्होंने घर का काम किया और इनकी वीडियोज़ बन गए ऐसा नहीं है आपको वीडियो शूट करनी है अपने एंगल्स देखने हैं आपको हर चीज़ प्रजेंटेबल लगनी चाहिए फिर नेक्स्ट डे आप एडिटिंग करते हो थर्मनल बनाते हो उसका वॉइस ओवर करते हो तो लाइक लाइक like, अच्छा खासा टाइम यूट्यूब मांगती है व्लॉगिंग आपको मसरूफ़ रखती है तो बस आ, मैं अपनी वीडियोस वग़ैरह शूट करती हूँ अपने घर के काम बच्चों को देखती हूँ तो लाइक फजूल की सोचें मेरे दिमाग में नहीं आती और मैं और मैं अगर सोचूँ ना तो आज मैं एडमिट करती हूँ कि यूट्यूब चैनल बनाने का डिसीजन मेरा बहुत बहुत अच्छा था और सबसे बढ़ कर के मैं अपनी दिल की बातें आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ मेरी क्या राय है मैं क्या सोचती हूँ क्या ओपिनियन है किसी भी डिसीजन को लेकर कोई रिकमेंडेशन देनी हो आपको कुछ भी कहना हो एडवाइस करना हो सब मैं इस यूट्यूब चैनल इस मीडियम के थ्रू आपसे कह देती हूँ और बचपन की जो ख्वाहिश है रेडियो की वो भी आराम से पूरी हो जाती है मे भी कभी आगे चल कर मैं रेडियो ज्वाइन भी करूँ मुझे बहुत ज़्यादा शौक है रेडियो का और कल मैंने जो है ना घर में फ़र्स्ट टाइम ये नान खताई बेक किए थे तो बस मैं इसको बेकिंग ट्रे से हटा कर जो है ना बॉक्स में रख रही थी इतने टेस्टी बने थे इतने मज़े के बने थे कि आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि मेरी फर्स्ट ट्राई में ही इतनी अच्छी नान खताई बन जाएगी और एक दिन में लाइक विद इन ट्वेंटी आवर्स सब खत्म हो गए थे कोई मतलब ये इतने मजे के बने थे कि हस्बैंड बच्चे हम मैंने मिल के सब ने खा लिए और ये इन आई विल बेक अगेन बहुत मजे के बने थे और बस मैं अपने व्लॉग को यहीं पे एंड कर दूँगी या पैसा ही सब कुछ नहीं होता मेरा शौक पूरा हो रहा है आपसे बात करने का अपनी ब्लॉगिंग का तो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही बात है अपना रखें बहुत सारा ख्याल मुझे दुआओं में याद सुनने का बहुत शुक्रिया अल्लाह